हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। क्या आपको पता है कि फेसबुक आईडी भी बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है, वो भी अपने कंप्यूटर से, वो भी विदाउट किसी लिंक के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हैक किया जा सकता है फेसबुक अकाउंट को। तो सबसे पहले हम अपने आईडी को लॉगिन कर लेंगे, जो हमारा फेसबुक आईडी है। इसके बाद हम यहां से सर्च करेंगे विक्टिम को, जिसे हैक करना है। तो मैं अपना ही अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि किसी और का अकाउंट हैक करना सही बात नहीं है। ये मेरा ही अकाउंट है। पहले यहाँ से हम प्रोफाइल के लिंक को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम अपने अकाउंट को लॉग आउट करेंगे। इसके बाद हम पेस्ट नहीं करना है। हम यहाँ पे डालेंगे FB नॉमरिकल आईडी और सर्च करेंगे। यहाँ पे हमको दिख रहा है फाइंड माय आईडी, इस पर क्लिक करेंगे और ये इस लिंक को यहाँ पेस्ट करके और नॉमरिकल आईडी खोज लेंगे। ये हमारा नॉमरिकल आईडी हो गया। हम इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद फिर हम इसे ईमेल की जगह पे पेस्ट करेंगे और डायरेक्ट लॉगिन पे जाएंगे। तो अब यहाँ बोल रहा है एंटर पासवर्ड, यहाँ पे आ रहा है रिकवर अकाउंट पे क्लिक करने पे ये जो मेरा अकाउंट फेसबुक अकाउंट था। इसके बाद हम राइट बटन क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे। अगर आपको HTML की कोडिंग आती है तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। अगर नहीं आती है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं आपको इसमें बता दूंगा कि आपको कैसे चेंज करना है। तो आपको ये एरो जैसे दिख रहा है वहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे ईमेल आईडी पे के पास जाना है और वहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से राइट बटन क्लिक करके एडिट एज HTML करना है और जो हमारा ईमेल आईडी है यहाँ से इसको सेलेक्ट करके हटा देना है। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ये मेरा ईमेल आईडी है, मैंने इसे डाल दिया। यहाँ पे देखिए आई शुरुआत में है और आखिरी में 1 है। अब जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे आपका पूरा ईमेल आईडी यहाँ से शो करने लगा। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा का अक्षर M आ गया और आखिरी का अक्षर K आ गया। अब ये हम अब अपना ही जीमेल अकाउंट खोल के हमारा जो पासवर्ड आया हुआ है फेसबुक से ये हम ले लेंगे 09197 2। सॉरी, लगता है मैंने गलत देख ली, 09197 1907। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा आईडी खुल गई और हम यहाँ पर अपना नया पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें।
अब यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो गया है, अब यहाँ पे स्टे टू लॉग इन कर सकते हैं या लॉग आउट अदर डिवाइस पे आते हैं। स्टे लॉग इन में हम लॉग इन करते हैं और ये हमारे विक्टिम का अकाउंट खुल गया है। ये आईडी आपका हैक हो चुका है, वो भी सक्सेसफुली। आप चाहें तो और आप भी इजी तरीका से आईडी को हैक कर सकते हैं और किसी भी अपने फ्रेंड या आईडी आप हैक करके उसके बारे में भी जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये देखिए हमारा रिसेंट लॉगिन में भी ये शो कर रहा है। चलिए बाय बाय।